जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक पूनम सिंह की मेहनत लाई रंग। पलिया सर्किल क्षेत्र में उप जिलाधिकारी पूजा यादव, सीओ प्रदीप कुमार यादव, तहसीलदार अनिल यादव व पलिया क्षेत्र के सभी कोतवाल एवं पुलिस टीम ने पहले से ही लोकसभा उप विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों को चिन्हित कर पहुंचा दिया था जेल, जिसकी वजह से शांतिपूर्वक मतदान आज लखीमपुर खीरी में संपन्न कराया गया। वहीं बूथ संख्या 128 प्राइमरी स्कूल पलिया कला में तकनीकी खराबी के कारण मतदान 7:50 पर चालू हुआ। बूथ नंबर 128 रंगरेजान, इसमें जो है एक समस्या आई थी। सुबह 7 वोटिंग सामान्यता स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किसी कारणवश ईवीएम में खराबी होने के कारण या ईवीएम सही ना होने के कारण या आप कह सकते हैं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 1 लेट से मतदान चालू हुआ, जिसकी क्षेत्र में चर्चा बनी रही। 196 केंद्रों में 382 बूथ हैं, जिसमें सिर्फ यही बूथ ऐसा रहा जिसमें ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस संबंध में अधिकारियों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि जो अधिकारी है, जो जिनको हैंडल करना होता है या पीठासीन अधिकारी हैं, वो उसको सही ढंग से लगा नहीं पाए। वहीं हमारे वीरो चीफ विवेक अर्कवंशी ने पलिया कस्बे के प्राइमरी स्कूल स्थित मॉडल बूथ का जाकर जाना हाल। हम आए हैं लोकसभा चुनाव के अंतर्गत ये विधानसभा पलिया में, और हम आपको दिखा रहे हैं एक बूथ है हमारे पीछे, उच्च प्राथमिक विद्यालय पलिया कला, शहरी क्षेत्र में है। और यहाँ पे 7 हैं, 7 में लगभग 8,000 मतदाता हैं। और हम बात जब पलिया की करते हैं तो पलिया विधानसभा में 3,49,600 मतदाता हैं, जिसमें 1,86,000 पुरुष और 1,63,000 महिलाएं व 13 ट्रांसजेंडर। हम बात कर रहे हैं इस समय जो प्रशासन ने चलाया था मतदाता जागरूकता अभियान, जिसमें प्रशासन ने जी तोड़ कोशिश करके लोगों को जागरूक किया है। इसी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ज़्यादा असर दिख रहा है, जहां कई कई बूथों पे हम गए और वहां पे हमको 70-90 के बीच में परसेंटेज मिला है पोलिंग का। और हम बात करते हैं प्रत्याशियों की, तो हमारे भाजपा से अजय मिश्रा टैनी, कांग्रेस से प्रत्याशी जफर अली नकवी और सपा बसपा गठबंधन से पूर्वी वर्मा। ये त्रिकोणीय मुकाबला है, वैसे तो 16-15 प्रत्याशी हैं यहाँ पे, लेकिन मेन मुकाबला इन 3 प्रत्याशियों में है। अब देखने वाली बात ये है कि जनता किसको अपना समर्थन देती है, किसको दिल्ली भेजती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी जो आज मौसम था, मौसम खराब होने की वजह से, धूप ज़्यादा होने की वजह से मतदाता जो भी आए वो सुबह 7 से और 9-10 के बीच उन्होंने मतदान किया। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पोलिंग बूथ बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप एक बार दिखाएं, ये मॉडल पोलिंग बूथ है और ये इस समय बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़े होने का कारण ये है कि जिन्होंने भी मतदान करना था, जागरूक लोगों ने, उन्होंने सुबह पहली पाली में इस मतदान में भाग ले लिया है। और सबसे बड़ी यहाँ की आपको बात बता दूँ कि यहाँ पे मतदान का ग्राफ कम है, यहाँ मतदान 60% भी कम प्रतिशत रहा है। ये शहरी क्षेत्र है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत यहाँ बढ़ा है। और हम जब बात करते हैं पलिया विधानसभा की, तो 5 की ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ, 5 तक यहाँ पे मतदान हो चुका है आपका 58%, जो कि अभी 1 बकाया है, हो सकता है 60-65% तक जाएगा। आप देख रहे हैं टाइम सिटी न्यूज़, मैं विवेक अर्कवंशी के साथ।